गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन फर्स्ट माय लैंड. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेवेंथ क्लास. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले पढ़ेंगे, साथ साथ में पढ़ेंगे और इनका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा. ठीक है, यू आर रेडी? चलिए लेट्स स्टार्ट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माय लैंड. The name of the chapter is My Land. My Land means मातृभूमि. ठीक है, सी इज़ अ रिच. यहाँ पर सी जो है ना वो मातृभूमि के लिए यूज़ किया गया है. सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड. वह अमीर है. ठीक है, अमीर से तात्पर्य सभी कीमती चीज़ों से, ठीक है, समृद्ध है, सभी चीज़ों से समृद्ध है. एंड रेयर लैंड और विलक्षण भूमि है. ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड अ फेयर लैंड. ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड अ फेयर लैंड. यहाँ पर आप देखेंगे सी इज़ अ फ्रेश मतलब वह फ्रेश ताज़ा है. ठीक है, एंड फेयर लैंड और सुंदर भूमि है. नेक्स्ट लाइन देखेंगे सी इज़ अ डियर. डियर मतलब होता है प्रिय. ठीक है, एक डी ई ए आर डियर ये होता है, डियर मीन्स होता है प्रिय. एक डी डबल ई आर डियर मीन्स होता है हिरण. तो यहाँ पर क्या है, प्रिय. सी इज़ अ डियर मतलब हमारी मातृभूमि है, वो बहुत प्रिय है. एंड रेयर लैंड और वह विलक्षण भी है. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. नेटिव मतलब अपनी. ठीक है, लैंड ऑफ माइन यह मातृभूमि अपनी है. ठीक है, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर. हर्स आर ब्रेवर. नो मैन कोई भी आदमी देन हर्स उसकी अपेक्षा. उसकी अपेक्षा मतलब हर्स से मतलब है मातृभूमि, आर लैंड से. ठीक है, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर. ठीक है, कोई भी आदमी हमारी मातृभूमि से ज़्यादा साहसी नहीं है. ब्रेवर मीन्स होता है साहसी होना. क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हर वूमन्स हार्ट्स नेवर वेवर. ठीक है, वेव मीन्स होता है हिलना. ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है या भूमि है मातृभूमि, उसमें जो वूमन्स हैं महिलाएं हैं उनके हार्ट्स जो है ना हृदय कभी भी मूव नहीं करते. मतलब वो दृढ़ निश्चय वाली हैं और अटल रहती हैं, कभी घबराती भी नहीं है. आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर. आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर. मैं आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर. मैं इस मातृभूमि को सेव करने के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे सकता हूँ, मर भी सकता हूँ. नेक्स्ट लाइन है सेकेंड स्टैंजा में एंड थिंक माय लॉर्ड डिवाइन. ठीक है, और सोचता हूँ माय लॉर्ड डिवाइन मेरी मातृभूमि के बारे में. क्लियर? इसके बाद हम थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे. ये है सी इज़ नॉट अ डल. सी इज़ नॉट अ डल. वह क्या नहीं है बेटा, डल भी नहीं है. डल मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं डल मीन्स होता है आलसी. सी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड मतलब यहाँ डल भूमि भी नहीं है ये, और कोल्ड लैंड ज़्यादा ठंडी भी नहीं है. जैसा कि आप देखते हैं हमारे इंडिया में जो मातृभूमि है हमारी इंडिया, उसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी. तो वो हमारे अनुकूल है, मनुष्य के लिए बहुत अनुकूल भूमि है. नो सी इज़ अ वार्म एंड बोल्ड लैंड. तो कैसी भूमि है, वार्म. ठीक है, एंड बोल्ड लैंड. बोल्ड मतलब होता है साहसी भूमि है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान पुरुषों ने जन्म लिया है. नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम थर्ड स्टैंजा की. ओह सी इज़ अ ट्रू. ओह सी इज़ अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड. ये सत्य बात है कि सी इज़ अ ट्रू, वह सत्य है, हमारे मातृभूमि सत्य है. ठीक है, एंड ओल्ड लैंड और बहुत पुरानी भूमि है. ठीक है, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइंड. ठीक है, यह मातृभूमि हमारी है, यह मातृभूमि मेरी है. नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर. कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर. ठीक है, सुंदरता
हमारी पृथ्वी जन्मभूमि की हमेशा रक्षा करे, ठीक है। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, और वर्च्यू जो होता है अभी भी, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना, हर जो गुण है अभी भी पृथ्वी को एक प्रकार से पुरस्कार दे रहे हैं, या ऐसे मान के चलिए हमारी पृथ्वी में सभी प्रकार के गुण हैं, ठीक है, और जो हमारी मातृभूमि को सुरक्षा, जिसकी मातृभूमि की सुरक्षा कर रहे हैं और उसे बहुत सुंदर बनाते हैं। नो फोई, फोई मीन्स होता है, फोई मीन्स होता है, सॉरी ये है नेक्स्ट लाइन में, नो फोई, नो फोई, फोई मीन्स होता है शत्रु, फोई मीन्स क्या होता है, शत्रु। नो फोई वुड क्रॉस हर बॉर्डर, बॉर्डर मतलब होता है सीमा, कोई सा भी दुश्मन हमारे देश की, हमारी मातृभूमि की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में हमारे योद्धा आर्मी हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर्स पर हमेशा तैनात रहते हैं, तो कोई भी एनिमी हमारे इंडिया में इंटर नहीं हो सकता। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, ठीक है, कोई भी फ्रेंड को दुख नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा है, ओ सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, कैसी भूमि है ये, फ्रेश है और फेयर लैंड है, सुंदर भूमि है। नेक्स्ट लाइन, ओ सीज अ रेयर एंड ट्रू लैंड, कैसी है, विलक्षण भूमि है एंड ट्रू लैंड है। यस सीज अ रेयर एंड फेयर लैंड, हाँ ये रेयर और फेयर लैंड है, विलक्षण भी है और सुंदर भूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइंड, ठीक है, यह मातृभूमि हमारी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस डेविस, इज दैट क्लियर। और यदि आपको पूरी पोयम में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।